वेलकम टू नई सुबह कहानी घर, कहानी घर नई सुबह टेल्स प्रोड्यूस बाय अनम तारिक, वॉइस ओवर बाय रहीमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रहीमा और आज की कहानी का नाम है अच्छी सोहबत। आज की कहानी में हम सबको एक बहुत ही अच्छा सबक मिलने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो एक दफा का जिक्र है, एक शिकारी ने एक कौवे और तोते को एक ही पिंजरे में बंद कर दिया। तोते के लिए कौवा और कौवे के लिए तोता अनजान थे। तोता कौवे को देखता और दिल ही दिल में कहता, मैं ये कहाँ फंस गया, ये कौवा काला हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। इसकी शक्ल तो ऐसी बुरी है, अगर किसी दीवार पर इसकी तस्वीर बनी हो तो कोई इसके साए में आराम करना भी पसंद ना करे। और जो हाल तोते का था वही हाल कौवे का भी था। कौवा हर वक्त ये सोच कर परेशान रहता था कि ये इतना बोलता है, हर वक्त बोलता रहता है, अगर तकदीर में कैद ही होना लिखा था तो किसी खानदानी कौवे के साथ ही कैद हो जाता। इसकी सूरत देखकर ही इतना गुस्सा आता है। एक दिन दोनों ने अपने तौर पर कैद से निकलने की कोशिश की लेकिन ना निकल पाए। फिर एक दिन दोनों ने मिलकर पिंजरा खोलने की कोशिश की और कैद से छुटकारा हासिल कर लिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि रंग, नस्ल या आवाज की वजह से हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। और हम तो मुसलमान हैं ना, मुसलमानों को आपस में प्यार, मोहब्बत और साथ मिलकर रहना चाहिए। शुक्रिया।